वेलकम बैक टू माय चैनल। कमेंट वीडियो लेके आ गए हैं। कमेंट पढ़ने में आपका बहुत मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ने में। तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले दीपा गुप्ता जी का कमेंट था, कल था या परसों था, इन्होंने लिखा था कि हिम्मत देखो अब इसकी, मैम खुला वीडियो में बोल रही कि मैं तो दूंगी गाली, मैं तो बोलूंगी जो बोलना है। भाई को धमकी दे रही थी, बट बदतमीज औरत है ये, बहुत बदतमीज औरत है ये, कोई शर्म नहीं है ना इसको ना इस माँ बाप को। माँ बाप को भी नहीं रोकते, माँ बाप भी नहीं रोकते इसको, क्यों तू भाई के साथ ऐसा करती है, गलत क्यों बोलती है, पता नहीं माँ बाप की क्या मजबूरी है, समझ नहीं आता। ये इतना चीखती चिल्लाती है, माँ बाप रोकते ही नहीं है इसको, इसलिए ये वीडियो में सब चलाकियों को करती है, भर भर के झूठ बोलती है, कैमरा लेकर ऐसे बोलना शुरू करती है जैसे रट्टा लगा रखा हो। हद से ज्यादा चालू औरत है मैम, इसका इलाज सुक्कू जी भी नहीं कर पाई है, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया शायद। कमाल की बात यह है कि इसको किसी का डर नहीं है, ना ही शर्म है, नहाए भी पता नहीं कितने दिन हो गए हैं इसको, वही कपड़ों में मार्केट घूम ली, वही में खाना बना ली, वही में पार्क में आकर वीडियो बना ली। महान है ये चुड़ैल, इसका चैनल बंद कराओ मैम, ये तो जाने से रही बाइटी से, इसको लग गया है डॉलर्स का चस्का, क्योंकि कुछ मेहनत की बिना अगर इतना पैसा आ रहा हो तो मजे ही मजे हैं इसको, इसीलिए बस दुनिया को चुतिया ही तो बनाना है, उसमें ये परफेक्ट है। लंबा कमेंट है लेकिन इन्होंने पूरा निचोड़ बता दिया है, सिर्फ ये दुनिया को चुतिया बनाना सीख गई है, ये इस तरह की झूठ बोलती है, ये बेशर्मी की हद पार करती है, ये आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल कैसी जबर महिला हो गई है, जबर हो गई है। मैं गाली दूंगी, मैं बोलूंगी, मैं भाई को कुत्ता भी बोलूंगी, मैं सब कुछ करूंगी, तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये अपने भाई से, माँ बाप किस मजबूरी में रह रहे हैं, माँ बाप भी ऐसे ही हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा माँ बाप भी ऐसे ही हैं, उनको गंदगी पसंद है, इसकी बेशर्माई पसंद है, उनको भी हमें लगता है मजा आता होगा इसकी बेशर्मी देख के, इसकी हरकतें देख के, बाहर 50 गालियां खाती है तो भी इसको देख के मजा आता होगा। भाई को थोड़ी गैरत है, वो नहीं बर्दाश्त कर पाता है, इसलिए वो अलग भी हो गया है, वो चाहता है कि माँ बाप को ले जाए, कुछ तो आखिरी दिनों में, माँ बाप के आखिरी दिनों में कुछ तो उनको सुख मिले, भाई ये चाहता होगा, लेकिन ये वो भी नहीं होने देगी, ये सोचती है सड़ के कीड़े देके मरे। ये भी हो सकता है माँ बाप ने इसके साथ बहुत कुछ ऐसा खराब किया हो जिसका बदला ये कीड़ों में मार फेंक के मारना चाहती हो, ये भी हो सकता है, मेरे दिमाग में ये भी देखिए आया कि बहुत कुछ इसके साथ गंदा हुआ है माँ बाप के रहते, जिस वजह से ये माँ बाप को ऐसी सजा दे रही है कि कीड़ों में पड़ के सड़ोगे तुम लोग को अच्छी जिंदगी जीने नहीं दूंगी, बहुत लोग होता है ये, तो वही चीज इसके साथ भी है और वही ये कर रही है। बहुत ही बेस्ट कमेंट था, मुझे इतना पसंद आया था कि मैं क्या बताऊं। स्पेशली कमलजीत जी का कमेंट है, इस गंदगी से जितना दूर रहो बढ़िया है, ये एक ऐसी औरत है पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, बच्चे की बीमारी तक बेच देती है यूट्यूब पर, माँ बाप की बीमारी तो बेच कर पैसा कमाई रही है। बनर्जी मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप रिएक्शन लाए बट एक दिन में एक बार, क्योंकि बीच में जब रिएक्शन वाले रिएक्शन नहीं दे रहे थे तो इसकी रीच बहुत कम हो गई थी और इसको देखने वाले भी कम हो गए थे। दीवा मैडम भी रिएक्शन नहीं दे रही थी एंड निक्कू मैडम भी नहीं, एज अ रिक्वेस्ट है आपसे ज्यादा रिएक्शन वीडियोज मत लाइए इसके ऊपर, एक दिन में सिर्फ एक बार लाइए बस, बाकी आपका चैनल है, आप जितने रिएक्शन देना चाहे दे सकते हैं, एज अ व्यूवर आपको बोला है मैंने, देखिए हम आपकी बात नहीं टालते हैं, हम रिएक्शन एक लाते हैं, हम एक अपडेट देते हैं, जैसे इसकी वीडियो आती है मेरा दिमाग इतना खोलता है, अगर मैं जैसे मैंने वीडियो बना के डाल दिया कि ये बोली है, रिएक्शन तो मैं एक ही दूंगी लेकिन ये बोली है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर मैं ये नहीं बोलती हूँ तो फिर वो अंदर मुझे घुलता है और मुझे कुछ होता है फिर, तो इस वजह से मैं वो रिएक्ट कर देती हूँ, मैं वीडियो कैमरा ऑन करके आपके साथ ये इस तरह की बदतमीजी की है और ये चीज बहुत गलत है, मैं इस पर रिएक्शन शाम को लाऊंगी और कई बार शाम को बोलती हूँ नहीं ला पाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई मेड नहीं है, मुझे घर का सारा काम करना है, खाना भी बनाना है। इस समय मैं शाम को बैठी हूँ, आपको बता दूं इस समय टाइम हो रहा है 7:37, ये देखिए 7:37। तो अब आप समझ लीजिए कि इस समय मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं पूरा खाना बना के बैठी हूँ, पूरे काम रसोई निपटा के तब बैठी हूँ, जब कोई खाएगा तो दे दूंगी, अब आप समझ लीजिए। तो इस पे यह है कि मैं रिएक्शन वीडियो एक लाती हूँ, बस वही है कि जैसे इसकी वीडियो बहुत ज्यादा बदतमीजी वाली कोई आती है तो यह होता है मैं अपडेट देने आ जाती हूँ 1-2 मिनट की, आप देखते होंगे वो 1-2 मिनट की अपडेट होती है, बनाती मैं वो शॉर्ट के स्टाइल में हूँ कि मतलब शॉर्ट हो जाए लेकिन वो हो जाती है 1-2 मिनट की, बस वही बात है, बाकी कोशिश यही रहती है कि रिएक्शन एक ही लाए, इसके पीछे रिएक्शन देते देते मेरा ही रिएक्शन निकल जाएगा।
बाद चलते हैं अपने चैनल पे और उसके कमेंट्स पढ़ते हैं। कमेंट्स पढ़ने में मजा आता है, थोड़ा सा अच्छा भी मूड भी मेरा फ्रेश हो जाता है और कुछ नहीं है। अच्छा, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, बार बार मैं देखियो कहती हूँ, मेरे इस चैनल के साथ साथ ब्यूटी वाली बैनर्जी में भी आप लोग जाके कमेंट कर दीजिएगा, सब कोई कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे अच्छा लगेगा। सब एक एक वीडियो को देख लिया करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, मुझे पता चलेगा कि मेरे कितने सपोर्टर्स वहां पे आए हैं इस चैनल के माध्यम से, मेरे कितने सपोर्टर्स वहां पे आए। तो प्लीज प्लीज करके देखिएगा, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं अपना चैनल पे पहुंचती हूँ, करंट की दो वीडियोस पे कमेंट पढ़ती हूँ। रितु जी का कहना है, सब लोग अंकुल को बोल रहे हैं वो शादीशुदा नहीं है फिर भी टेक केयर कर रहा है, गा बेचारे को घर की दो रोटी नसीब नहीं है फिर भी। हाँ बिल्कुल है, नहीं है, हम उसको एक बुरा नहीं बोल रहे हैं, वो फिर भी कोशिश कर रहा है, इमेज बिल्डिंग ही सही वो करने की कोशिश कर रहा है, हमको ये ठीक थोड़ा सा लग रहा है, और कोई बात नहीं है। बाकी ईश्वर वो जानता होगा, ईश्वर जानता होगा कि उसने ऐसा क्या किया है, माँ बाप उसके साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर बात है कि वो एटलीस्ट कोशिश कर रहा है। ये तो जान के सड़ा रही है, ये जान के मार रही है, जान के सड़ा रही है। जिनी एंथोनी आईडी ने कहा है, दोनों भाई बहन ने माँ बाप को फुटबॉल बना दिया है, इस पे लीगल एक्शन होना चाहिए। आयुष जी का कहना है, आयुष आयुष आईडी है, मैम अंकुर के पास जब उसके माँ बाप रहते हैं तो कितनी सही दिखते हैं, सही, अंकुर बहुत केयर करता है, उसकी माँ के बाल भी अंकुर की चोटी बांधता है, क्योंकि उसकी माँ खुद से अपने बाल बांधती तो गधी के घर में भी वो साफ सुथरी रहती। इसमें कोई शक नहीं कि अंकुर अपने माँ बाप के कपड़े तक साफ करता है, वीडियो में भले ही ना दिखाए, उसकी वीडियो में हर एक चीज नोटिस करी है, वो सच में बहुत अच्छा लड़का है जो अपने माँ बाप की छोटी सी छोटी जरूरत का ख्याल रखता है। देखिए जिस हालत में है ना, बहुत एक्शन, लीगल एक्शन तो छोड़ दीजिए, बहुत चीजें इकट्ठा कर लेना चाहिए था उसको, हम लोग उसके खिलाफ नहीं है। आप अब देख रहे हैं अंकुर को, जब उसने अपनी इमेज बिल्डिंग कर ली है तब देख रहे हैं, हम शुरू से देख रहे हैं। लेकिन हाँ, दोनों में देखा जाए तो गदी महादुष्ट है, इसके टक्कर का कोई नहीं है। गदी ने बोल दिया अभी की वीडियो में, ले जा मम्मी पापा को, ले जा ले जा ले जा कुत्ते ले जा, याद है ना। मन करता है इसकी इतनी पिटाई करूं कि कुछ भी पीटू कि कुछ भी बोल, बिल्कुल वो बहुत बोलती है, बदतमीज औरत है। एक आईडी ने कमेंट किया है, आरटी महलो मैम आपने अपने कहा गई, कमेंट ही गायब हो जाता है। हाँ चलिए, ब्रजेश शर्मा जी ने कहा है कि कुछ भी अंकुर के यहाँ दोनों बेटर थे, बट ये तो नरक में रहती है, नीच है, बहुत नरक में रहती है, ये माँ बाप को भी नरक में रख रही है, ये जो दिखा रही है ना, ये अभी वीडियो पे बता रही है ना, वो बस दिखाता है, वो बस दिखाता है, तू भी अच्छा अच्छा दिखाना। इसके दिमाग में सबसे बड़ी गलतफहमी है कि गंदगी बिकती है, कूड़ा बिकता है, कीड़े बिकते हैं, गंदे वैसे बिकते हैं। जब से इसकी माँ बीमार पड़ी है आज तक नहीं नहाई है, आज तक इसने कभी नहीं नहलाया है, बाल तक तेल में ऑयलिंग करना, सर पे ऑयलिंग करना, बाल बांध देना, सेवा वो होती है। खाने में क्या देती है, खाने में समय इसकी माँ को मल्टीग्रेन आटा हो, दाल हो, हरी सब्जी हो, इस तरह के पौष्टिक खाना चाहिए, नाश्ते में भी हेल्दी डाइट चाहिए, दूध चाहिए बिना उसके चीनी के, बिना कुछ पाउडर मिलाए, और वो भी एक बार, क्योंकि दूध में भी हल्का शुगर होता है, इसलिए आलू बिल्कुल नहीं चाहिए। अब आप समझ लीजिए ये उसमें से कुछ कर रही है। कई डाइट प्लान है, ऐसे कई खाना है जो शुगर पेशेंट को बखूबी दिया जाता है, जो डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये क्या कर रही है, ये और दे के नींबू पानी शरबत पान चीनी वाला मिला के और मारने की कोशिश कर रही है। काजल ने कहा है, राइट फैमिली ब्लॉग के नाम पर यूट्यूब पर तमाशा बना रखा है, यूट्यूब को इनकी आईडी बंद कर देनी चाहिए। क्यों नहीं, क्यों, वो उसको पैसा मिल रहा है ना, देखिए 45% इसको मिल रहा है, 55% यूट्यूब रख रहा है, तो दिखाओ जितनी नंगाई हो सकती है दिखाओ। अब तो YouTube ने यह भी कर दिया कि थोड़ा बहुत अगर आपने अश्लील थंबनेल लगाया वो भी मोनेटाइज होगा। अभी 2 दिन 17 तारीख से ये अपडेट भी हमने टेक वालों के चैनल्स पे देखी है, मनोज देवी देख लीजिएगा, सबने डाली है। अब आप समझ लीजिए अश्लीलता को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। शैली महल जी ने कहा है, गधी सारा दिन ब्लॉग में बिजी रहती है, मम्मी को खाना नहीं मिल पा रहा है, पापा भी बाजार से सामान ले आता है, पर अच्छा खाना कौन बनाएगा, ये अच्छा खाना देने वालों में, ये अच्छी गालियां देने वालों में। और माँ साफ चिल्ला के कह रही थी रोटी दो रोटी दो, जब ये नहीं दी, ये वीडियो पे लगी थी ऐसे बैठ के, तो वो उठ के बनाने लगी थी।
कामिनी वर्मा जी ने कहा है, छोटा भाई है उसे कैसे गालियां देती है मंत्रा जी, मुझे बेटों की गलती नजर नहीं आती। एक मत ये देहरादून ट्रीटमेंट करवाई, फिर अंकुर के पास भी ट्रीटमेंट करवाई। उस लड़के के पास कोई परमानेंट जॉब नहीं है, फिर भी करता है। बड़े भाई ने भी इसकी मैरिज तक बहुत जिम्मेदारी पूरी की है। पुरानी वीडियोज में है, ये भाभी को रान कहकर गालियां दिया करती थी। दोनों लड़के अभी भी शर्म से सारा सच नहीं बता रहे हैं उसका कितनी, और सच नहीं बता रहे इसका कितनी लड़ाकी है। भाई को गलत कह रही, इसने खुद ने माँ को अलग घर में फेंक रखा था। रोटी की बात भी इसी की वीडियो में है कि माँ ने रोटी मांगी थी, ये बाहर चली गई तो गुस्से में उन्होंने खुद बढ़ाकर खा ली। उसके बारे में बात हो रही, पड़ोसियों ने अंकुर को फोन करके सब बताया कि पापा अकेले ऊपर रहते हैं, पूछो इससे। हाँ, पड़ोसियों ने अंकुर को कहा, तब वो आज गया था। इन्होंने ही बताया है। हाँ, शर्मिला मुंदका जी ने बताया है, बट प्रॉपर ट्रीटमेंट बोथ पेरेंट्स मस्ट ऑल्सो कॉपरेट, दे डू नॉट वॉन्ट टू लीव देयर हाउस। एक्चुअली रियलिटी ओनली नेबर्स विल नो, पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन, नो डाउट बोथ आर नॉट वेल, बट वी कांट गिव दम क्लीन चिट। बिल्कुल नहीं दे सकते, वो भी ऐसे ही है, लेकिन बस अब ये सीनियर सिटीजन है, बीमार है, क्या कह सकते हैं। वी डोंट नो हाउ दे हैव बिहेव विद चिल्ड्रन ऑल दीज ईयर्स। अ फ्यू डेज बैक हर मदर हैड पुट एलिगेशन ऑन नेबर्स दैट दे हैव स्टोलन सम क्लोथ्स एक्सेट्रा फ्रॉम हर हाउस। आफ्टर सम डेज निधि सेड हर मदर हैड फॉरगेटन दोज थिंग्स इन अंकल्स हाउस, एंड ड्यूरिंग दिवाली हर अंकल हैड ब्रॉट दोज थिंग्स विद हिम। Now just imagine her mother had made a big show, false allegations without any proof, police complaint etc. Will neighbors really excuse her mother because she is a senior citizen? No one will cooperate, nobody will invite trouble. ये चीज हमसे मिस हो गई है कि अंकल दे के गए हैं, ये वहां भूल गई थी और इसने चुराया, दूसरों के घर जाके इन्होंने पत्थर भी मारे हैं। ये फैमिली गड़बड़ है, ये फैमिली कुछ ऐसी है ही है, ये फैमिली ही इस तरह की नीच हरकतें करी है। ये जहां रह रहे हैं इनके पड़ोसी बहुत ज्यादा परेशानी में है। कोई जब किया था इनके मोहल्ले वाले आके खड़े हो गए थे। इनके मोहल्ले वाले अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो उनसे निवेदन है कि आप लोग जिस तरह से अंकुर को फोन किए थे उसी तरह से अपने यहाँ के सेक्रेटरी को फोन करिए, अपने आपके सोसाइटी में जो गार्ड्स हैं उनको बताइए, उस सोसाइटी के जो भी सेक्रेटरी है, मेंबर्स हैं, जो भी कोषाध्यक्ष ये सब रखे जाते हैं ना सोसाइटी में, उनको भी बताइए ये बात। जब आप 10 लोगों को बताएंगे तो ये 10 से आगे 20 लोगों को पहुंचेगी, वो 20 से आगे 30 को पहुंचेगी। जैसे सलमान ने एक पिक्चर में कहा था ना, तीन की हेल्प करिए, वो तीन आगे तीन की करेंगे, वो आगे तीन की करेंगे। तो उसी तरह से आपने 10 को बताया, 10 से 20 और 30, इस तरह से बात पहुंचेगी और बात फिर ऊपर तक जाएगी। सिर्फ आप लोग के आगे बढ़ने की देर है। आज हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आगे आए, इनके मोहल्ले वाले आगे आए, इन बूढ़े बूढ़ी को बचाएं, और इसकी ये बदतमीजी बदमाशियां जितनी ये कर रही है इसको बंद हो। सिर्फ आप लोग कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं कर सकते। फोन नंबर्स वगैरह में फोन भी करेंगे तो आप लोग को देखना है, आपका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कहती है ना, मैं कैमरा उठा लूंगी, जैसे ही ये कैमरा उठाए तुरंत चिल्लाना चालू करिए, ये अपने माँ बाप को मार रही है, ये ऐसा कर रही है, बस तुरंत इतना चिल्लाइए कि ये डर के मारे कैमरा बंद कर दे कि मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। जैसे ही ये कैमरा उठाए तुरंत इसके ऊपर ब्लेम लगा, ये बदमाश औरत मारने आई थी, हमारे घर में हमला करने आई थी, हम पे हमला करने आई थी, ये बदमाश औरत हमला करने आई थी। आप लोग उल्टा इस पे करने लगी है, ये डर के मारे कैमरा बंद कर देगी। आप लोग पहुंचाना चालू करिए, आप लोग देखिएगा एक महीने के अंदर फर्क देखिएगा आप लोग के एक्शन से क्या हो सकता है। सिर्फ आप लोग इससे डरना बंद करके, ये कुछ नहीं कर सकती, इसकी इतनी हवा टाइट होती है कि इसको उल्टा दो झापड़ मारेगी पुलिस, यह आप पे पुलिस नहीं ला सकती, केस नहीं कर सकती, इसकी कुछ भी हिम्मत नहीं, इसकी औकात नहीं है कि आप लोग को टच कर ले। ये कैमरा उठाती है, आप लोग को डर लगता है कैमरा उठाती, वैसे ही कैमरे पे चिल्लाने लगे, तुरंत हाथ दोनों लीजिए अपने मुंह पे लगाइए कि आपका फेस ना देखे, और चीखने लगी कि ये मारने आई है, मारने आई है, मारने आई है। ये चाहे जितना बोले, ये मारने आई है, ये मारने आई है, ये अपने भाई को जैसे मार रही थी, धमका रही थी, हम लोग को मारने आई है क्योंकि हम लोग देख रहे थे। ये अपने बाप को मार रही थी, माँ को मार रही थी, हम लोग देख रहे थे, हम लोग को मारने आई है। तुरंत इस तरह की चीजें आप लोग करने लगी, ये बंद कर देगी अपना ड्रामा। करके देखिए, 10 लोगों को बताइए, गार्ड को बताइए, सोसाइटी के अध्यक्ष को बताइए, जो भी वहां के मैनेजर हो, जो भी गार्ड के भी ऊपर हो, हेड हो, सबको बताइए, जमादार तक को बताइए इनके ऐसा हो रहा है। बात ऊपर तक जाएगी, ऊपर तक जब लेवल तक जाएगी तो इन लोग की सारी चीजें सही हो जाएंगी, हो सकता है मोहल्ले से आपके नरक विदा हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू ऑल। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल दोनों सब्सक्राइब करिएगा प्लीज। आज हम देखना चाहते हैं उस चैनल पे मेरे कितने यहाँ से लोग पहुंचते हैं,
और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। हम बहुत मेहनत करते हैं दोनों चैनल पे, देखिए मेहनत करते हैं इस पे, हम एक सच्चा रिएक्शन देते हैं, हम कुछ भी बनावटी या कुछ भी नहीं, जो होता है देखते हैं, गुस्सा आती है गुस्सा भी निकालते हैं, अच्छा कुछ होता है तो अच्छा भी बोलते हैं और उस पे हम मेहनत करते हैं, अपने ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। तो आप सपोर्ट करें प्लीज, लव यू ऑल।